हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की 15 to 22 के लिए। तो मैंने आपके कार्ड्स पहले ही प्री शफल करके निकाल लिए हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स के फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च। एस ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके एरीज, मुझे लग रहा है कि आपको कोई नया पर्सन या फिर आपका जो पार्टनर है ऑलरेडी, वो आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं ऐसा जिसे जिसकी विश आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। किसी तरीके का कमिटमेंट या किसी तरीके का गिफ्ट वगैरह, कुछ भी, मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे लंबे समय से, या किसी तरीके का प्रपोजल हो सकता है। ये आपका क्रश हो एंड ऑल ऑफ अ सडन ये आपसे जाहिर कर दे कि ये आपको पसंद करते हैं। ठीक है, ये सब मुझे इस साइड दिखा रहा है, ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। बट यहां पे है मेरे पास एक एट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये क्यों आया है, लेट्स चेक। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड। काफी मिक्स्ड टाइप के कार्ड्स है आपके। Two of Wands, Knight of Swords and Nine of Pentacles. Okay, Aries, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आपके पास ऑफर आएगा आप इसको ले नहीं पाएंगे फॉर वन रीजन और अनदर रीजन, क्योंकि यहां आप देख रहे हैं द हायरोफेंट का कार्ड। ये जो भी आपके लाइफ में कंट्रोल कर रहा है, जो भी, वैसे एरीज जनरली कंट्रोल किए नहीं जाते किसी से, उनका अपना अपने थॉट्स होते हैं, अपने विजन्स होते हैं और वो अपने पास पे चलते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल के लिए इन द थर्ड वीक मुझे दिख रहा है कि कोई आप पे डोमिनेट हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास अपने फैमिली का या आसपास के लोगों का सपोर्ट है आपको स्टॉप करने के लिए। ओके, मे बी ये आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको ये ऑफर लेने से रोके। नाइट ऑफ कप्स, मे बी उनको ये पर्सन पसंद नहीं है, आपको कहा जाए कि आप इनको अवॉइड करें, जबकि आप इन्हीं का वेट कर रहे थे इतने समय से कि ऐसा कोई मेरे लाइफ में आए। ठीक है, लेकिन इस तरह के रेस्ट्रिक्शन से मुझे लग रहा है कि आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगी, क्योंकि आप इस पर्सन को लाइफ में चाहते थे। बट अगेन थ्री ऑफ स्वॉर्ड है, यानी आपके अंदर बहुत पेन है और मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि अब जब ये पर्सन चला जाएगा किसी तरीके के प्रेशर से या किसी तरीके के आपके फ्रेंड्स वगैरह या कोई ऐसा ओपिनियन दे, और उसके कारण अगर आप इनका रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर पाते और अगर ये पर्सन चला गया, तो आपको लग रहा है कि आप इस पर्सन को हमेशा के लिए खो देंगे। विद दिस थ्री ऑफ सॉर्ड मुझे दिख रहा है कि आप काफी पेन में है, काफी फ्रस्ट्रेशन में है, एंड एट द सेम टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके बारे में फिजूल की बातें कर रहे हैं, आपके जो स्पेशली रिलेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहां मुझे दिख रहा है कि ये आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप जो आपको इंसल्टिंग लग रही है, आपके कैरेक्टर पे पॉइंट आउट हो सकता है या किसी ऐसी चीज पे जिससे आपको काफी गुस्सा आ जाए। और अगर आप रिवर्ट करने का सोचते हैं इस पर्सन को, अगर आप वैसा ही जवाब देने का सोचते हैं, तो मे बी ये पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। दो में से एक को जाना होगा, या तो वो जाएगा जो आपको रोक रहा है, आप उसे रिप्लाई करेंगे। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं, इस पर्सन के सपोर्ट में रहते हैं द हायरोफेंट के, जो कि बहुत आपके ऊपर भारी है इस वक्त, डोमिनेटिंग है, तो आपके लिए जो ऑफर आ रहा है नया लव का, ये जाएगा। ठीक है, तो दो में से एक शायद आप लूज कर दें, जबकि आप चाहते हैं कि कंप्लीट हार्मनी रहे, सब कुछ आपके साथ सही रहे। अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो भी पर्सन है आपके लाइफ में, जो भी आ रहा है, ये बहुत स्टेबल पर्सन है, बहुत लॉयल पर्सन है, और इसकी जो वाइब है बहुत प्लीजेंट है, बहुत फ्रेंडली पर्सन है ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगेन अगर आप मैरिड हैं तो आपके परिवारों के बीच में कुछ क्लैश हो सकता है, मे बी आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आपके पार्टनर कुछ बोले, सॉरी आपकी फैमिली कुछ बोले,
और या आपका कोई रिलेटिव कुछ बोले, स्पेशली रिलेटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ, आपके पेरेंट्स से हटके ज्यादा पॉसिबिलिटी कि रिलेटिव कोई कुछ बोले और आपको बात अच्छी ना लगे, आप इर्क हो जाए, आप चिढ़ जाए इस बात से और कुछ ऐसा जवाब दे कि ये पर्सन जो है आपका रिलेटिव, ये आपके लाइफ से तो निकल ही जाएगा लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ बोले भी, ठीक है? इस तरह की कुछ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बट मुझे नहीं लग रहा कि आपके अट्रैक्टिवनेस में इससे कोई कमी आने वाली है, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में बहुत अट्रैक्टिव रहने वाले हैं अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, क्योंकि इन लोगों को आपसे अट्रैक्शन रहेगा। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, दूसरे आपको एज परफेक्शन देख रहे हैं, ओके? मे बी इसीलिए आपको एक से ज्यादा ऑफर आ सकते हैं, आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे लोगों को दिख रहा है कि आप देखने में अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियली स्टेबल हैं और इस तरह की चीजें दिख रही है। आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह या एक परफेक्ट रिलेशनशिप ऑप्शन की तरह लोगों को लग रहे हैं इस वक्त, ओके? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन मुझे दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये अलग जल्दी में है, ये जल्दी से जल्दी चाहता है रिलेशनशिप आगे बढ़े, और यहाँ हायरोफेंट है, यह चाह रहा है कि आप रुके, सोचे, समझे और फिर आगे बढ़े, ठीक है? तो इसमें आप थोड़ा सा पुल्ड महसूस करेंगे, एक साइड इस तरफ से, एक साइड इस तरफ से, आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे, ओके? तो ये पर्सन जो है हर चीज को बहुत तेजी से ले जाना चाहता है, और ये पर्सन जो आपकी लाइफ को डोमिनेट कर रहा है ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है? तो यहाँ आपको काफी स्ट्रेस फील हो सकता है, इसी वजह से आपका हार्ट मुझे पेन में नजर आ रहा है। और एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे एरीज कि अगर आपको कोई नया रिलेशनशिप मिल रहा है, मगर स्टिल जो लोग पास्ट में जिनका ब्रेकअप हुआ है अभी और उनकी शादी की बात चल रही है, किसी तरीके की चीज जिसमें एक नए इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, मगर आप इस पर्सन से इतने कनेक्टेड नहीं हैं जितना आप पहले के पर्सन से हुआ करते थे, अपने पहले पार्टनर से हुआ करते थे। यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ सॉर्ड्स से मुझे नजर आ रहा है। प्लस ये जो पर्सन है आपके लाइफ में, आप उसको एक डोमिनेटिंग पर्सन समझते हैं। आप ये रियलाइज कर चुके हैं शायद कि अगर मुझे इसके साथ लाइफ जीनी है तो फिर पास्ट वाले पर्सन को मुझे भूलना पड़ेगा, लेकिन आप इस पर्सन से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि मुझे पास्ट में जाना है, मुझे तुमसे ज्यादा प्रीवियस पर्सन जो मेरे लाइफ में था वो मुझे पसंद है। इस तरह की चीजें हो सकती है कुछ के लिए। मैं हर तरीके से कार्ड इंटरप्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होती है, बट मैं अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ। यहाँ टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे दिख रहा है एरीज की मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन से आपकी शादी पॉसिबल हो पाएगी, ओके? ये जो भी पर्सन है मुझे नहीं लगता कि इसके साथ आपकी शादी पॉसिबल हो पाएगी, एटलीस्ट इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है। इस वीक में कोई ऐसी बात नहीं चलेगी शादी वगैरह की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपको रुकने के लिए कहेगा। एंड इट्स ओके, सिर्फ एक वीक की बात है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, सोच सकते हैं। विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आप मुझे दिख रहा है कि आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, आप वर्क प्लेस पे अच्छा करेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, बट अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। टू ऑफ वॉन्ड्स मुझे पता चल रहा है कि आप बीमार पड़ सकते हैं इस वीक में, ओके? अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़े। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है पर्सन जेन्युइन है, बट इस वीक में चीजें आगे अगर उतनी नहीं बढ़ पाती तो फ्रस्ट्रेट ना हो, ये सिर्फ टेम्पोरी रीडिंग्स है, ओके? तो ये थर्ड वीक की रीडिंग थी। अब ऑरेकल शफल करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च, मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट वॉट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ओके? अगेन एरीज, आपको ये ओरेकल कार्ड कह रहा है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड कि आप उस चीज के बारे में सोचिए जो आपको चाहिए, क्योंकि आप जो चीज मैनिफेस्ट करेंगे इस समय में वही आपके पास वापस आएंगी। तो आप उस चीज के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सोचिए कि आप के लिए बेस्ट क्या हो सकता है। आप जो भी बेस्ट अपने लिए सोच सकते हैं उसे सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स इस समय आपके साथ एनर्जी रिजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है। सो आप अगर इस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में उस एक अच्छे आउटकम की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे।
अगेन थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई. आप प्लीज डीमोरलाइज ना हो. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती भी है कि आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सामने आते हैं, तो उस नेगेटिविटी को अपने पर हावी ना होने दें. अपने जो सोच है उसको ऊंचा रखें, ओके, अपने एक्सपेक्टेशंस को हाई रखें, क्योंकि आप जब ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स अपने आप उस चीज को मैनिफेस्ट करेगा और आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे लाइफ में. ओके, सो ये थी आपकी थर्ड वीक की रीडिंग. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, मैंने आपके पिछले वीक का जो लिंक है वीडियो का वो डाल दिया है नीचे, और वीक अगर आप ईयरली भी देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.